आप सभी लोगों का मेरी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करना चाहूँगा पैरी नदी। पैरी नदी जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी में गिनती की जाती है, वही दोस्तों यह महानदी की मुख्य रूप से सहायक नदी भी मानी जाती है। पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद जिले के बिंद्रागढ़ जमींदारी में स्थित भाटीगढ़ी पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। वही दोस्तों पैरी नदी जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर हमेशा बहती रहती है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर मानी जाती है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, राजिम के पास महानदी में जाकर यह नदी मिल जाती है जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पैरी नदी जो धमतरी और राजिम को विभाजित करती है, क्योंकि यह बीचों बीच हमेशा बहती रहती है। वही पैरी नदी के तट पर राजिम लोचन मंदिर है, जो सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन मंदिर मानी जाती है। खासकर नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं की हमेशा तांता लगी रहती है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, राज्य में महानदी पैरी और सोडू का संगम है, जो सबसे बड़ी संगम मानी जाती है। खासकर यहाँ छत्तीसगढ़ में यह सबसे पवित्र जगह भी मानी जाती है। यहाँ हमेशा पितृपक्ष में लोग हमेशा आते रहते हैं। वही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र जो 3000 वर्ग मीटर को मानी गई है, जो छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान पैरी नदी को मानी जाती है। जब भी आप आओगे तो पैरी महानदी और वही आपको बताना चाहूँगा राजिम लोचन मंदिर को जरूर दर्शन कीजिएगा। दोस्तों इतना ही बताना चाहूँगा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो डालता हूँ आप लोग देखें। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।